वेलकम स्टूडेंट्स और आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक अगले अध्याय अगले यूनिट की जिसका के नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी आपने इस विषय में कुछ पहले भी पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में जैसे मैंने आपको बताया कि नाइन्थ और इलेवेंथ के टॉपिक लगभग वही होते हैं लेकिन हाँ इलेवेंथ में टॉपिक बहुत एक्सपैंडेड होता है आइए तो so, टेक्निकली हम बात करते हैं वर्क क्या होता है सबसे पहले यही से शुरू करेंगे वर्क क्या है वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट फोर्स का जो कॉम्पोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसको मल्टीप्लाई आप करते हैं डिस्प्लेसमेंट uh, से और उसके बाद आपके पास जो चीज मिलती है वो है वर्क और वर्क हमेशा किसी पर्टिकुलर फोर्स पर डिफाइंड होता है तो मैथमेटिकली इट बिकम्स एफ कॉस इन टू डी विच इज एफ डॉट डी आपको मालूम है ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, उसी से बनाया गया है फोर्स भी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है तो एफ डॉट डी करके आपने एफ डी कॉस थीटा बना दिया इसको क्लियर हो गया ये ध्यान दीजिएगा थीटा कब पॉजिटिव है थीटा कब नेगेटिव है ये बताएगा आपका वर्क पॉजिटिव कब है और वर्क नेगेटिव कब है क्योंकि एफ और का तो आपने मैग्नीट्यूड लेना है और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं है तो यहां मैं आपको याद करा तो जिनके पास मैथ्स नहीं है वो भी याद कर लें जिनके पास मैथ्स है वो रिवाइज कर लें कि पहले क्वाड्रेंट में मैंने जब भी एंगल जीरो और नाइनटी डिग्री के बीच में होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा और जिस केस में आपके पास एंगल 90 से 180 के बीच में होगा उस केस में वर्क नेगेटिव होगा आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि अगर हमारा एंगल मान लीजिए 180 डिग्रीज है तो मेरा फोर्स बॉडी डिस्प्लेस ही क्यों होगी जैसे मैंने आपको बताया इसको जरा समझ लीजिए कि वर्क हमेशा फोर्स पर डिफाइंड है किसी किसी जगह पर जैसे आपने किसी बॉडी को धक्का लगाया फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगी तो आप चला रहे हैं बॉडी को एक डायरेक्शन में आपको मालूम है फ्रिक्शनल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो आपकी फोर्स की वजह से है तो आपका डन अलग हो जाएगा इस केस में फ्रिक्शनल डन विल बी नेगेटिव और नेट डन कुछ और निकलेगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तो so, इसलिए फोर्स को हम हमेशा सॉरी वर्क को हम हमेशा किसी फोर्स की बेसिस पे बताते हैं कि इसका फोर्स ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट ये है और इस फोर्स की वजह से इतना वर्क डन हुआ फोर्स नंबर टू की वजह से इतना वर्क डन हुआ तो हम सारी चीज फोर्स पर बेसिक्स बताते हैं स्केल ऑफ क्वांटिटी एफ डॉट डी इसकी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू है एसआई यूनिट इसकी जूल है और जो सीडीएस यूनिट्स है वो डाइन्स है। डाइन सॉरी डी यूनिट हमारी आर्क है आर्क और जूल में 10 टू द पावर सेवन का फर्क होता है तो ये आपकी जानकारी के लिए और अगर मेरे पास फोर्स वेरिएबल है तो आपको मालूम है एफ डॉट डीएस मुझे करना है तो इंटीग्रल करना पड़ेगा एफ डॉट डीएस का व्हिच इज गोइंग टू बी एफ डीएस cos थीटा और ये मैथमेटिकल पार्ट आया इसके आगे चलते हैं इधर देखिए अब वर्क के बारे में समझिए वर्क डन इज नो इज वर्क इज डन इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो आप दीवार पे धक्का लगाते जाइए पंद्रह मिनट में आप थक जाइए लेकिन क्योंकि दीवार नहीं चली है इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट शून्य है दूसरी बात वर्क तब तक नहीं होगा जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 के अलावा कुछ और होगा अगर 90 एंगल हो गया तो हमारे पास हमारा वर्क डन जीरो होगा क्योंकि एफ डी एस थीटा तीसरी बात वर्क डन इज नेगेटिव इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑप्टिज मैंने आपको बताया कब हमारे पास नेगेटिव होगा जब हमारे पास एंगल ऑप्टिज होगा यहां पर नो वर्क डन इज का बहुत कॉमन एग्जांपल दू एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो आपको मालूम है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है जो रेडियस की डायरेक्शन में है तो रेडियस की डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपने आप हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस वजह से सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करती सेंट्रीपिटल फोर्स आइए थोड़ा आगे चले अब एनर्जी है एनर्जी क्या है इसको देसी भाषा में कहें कि आप में कितनी एनर्जी आप में कितनी कैपेसिटी है काम करने की इस डिफाइंड मैथमेटिकली आल्सो capacity टू डू वर्क capability टू डू वर्क अब ये capability हम नापेंगे कैसे अगर कोई विद्यार्थी कहता मैं सर 75 परसेंट मार्क्स ला सकता हूं मैं 90 परसेंट ला सकता हूं तो क्या उत्तर है भाई लाके दिखा दे तेरे एग्जाम में आते हैं 40 परसेंट तू कहता सर मैं 90 परसेंट डर कैसे मान ले? तो एनर्जी निकालने के लिए हम कितना वर्क हुआ उससे निकालते हैं और किसी बॉडी की एनर्जी को सेकंड पॉइंट देखिए किसी बॉडी की एनर्जी हमारे पास पोजीशन या मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल होती है एनर्जी बहुत प्रकार की है वैसे थर्मल एनर्जी ले लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मैग्नेटिक है ग्रेविटेशनल है बहुत एनर्जी थे। लेकिन हम यहां पर जो पढ़ते हैं वो बेसिकली पढ़ते हैं उस एनर्जी की बात करते हैं जो मैकेनिकल होती है और मैकेनिकल किन दो वजह से होती है या तो पुजीशन या शेप की वजह से और या मोशन की वजह से जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है वेलोसिटी की वजह से होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं आपको याद है कायनेमेटिक शब्द था तो काइनेटिक वहीं से आया चलने वाली बॉडी और जो बॉडी के अंदर एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से होती है माने हाइट की वजह से या बॉडी को कुछ और जगह पर रखा गया दो बॉडीज को पास रखा गया वो सारी एनर्जी पोटेंशियल होती है उसकी शेप की वजह से जो होती है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में आपको बताया एनर्जी ड्यू टू पोजीशन शेप और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का तो बहुत कॉमन आप समझ सकते हैं जिस समय आपने किसी बॉडी को जमीन से ऊपर ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी होती है पुराने समय में आप पढ़ चुके हैं एमजीएच आई उसको भी डिटेल में समझेंगे आप फिर आपने कहा शेप मान लीजिए आपने किसी गुब्बारे को दबा के रखा किसी बॉल को दबा के रखा रबर की बॉल को अपने आप उछल के बाहर आएगी तो जो बाहर आएगी वो एनर्जी कहां से आएगी वो उसमें आपने उसकी शेप को दबा कर कर दिया कॉन्फिगरेशन कॉन्फि कॉन्फिगरेशन भी ऐसे ही है मान लीजिए आपने स्प्रिंग को दबा के रखा तो स्प्रिंग दब गया अब दबने के बाद ही आपने स्प्रिंग को छोड़ा स्प्रिंग झटके से बाहर आया तो स्प्रिंग में एनर्जी थी इसलिए वो निकला इसको कॉन्फिगरेशन की वजह से शेप और कॉन्फिगरेशन में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन शेप बॉडी की शेप और कॉन्फिगरेशन जिस तरह उसको रखा गया उस पर आ जाता है लेकिन दूसरी बात आपको क्लियर होनी चाहिए एनर्जी ड्यू टू मोशन उसका नाम काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी बॉडी में है तो जो एनर्जी उसके अंदर है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी ही बोलेंगे आइए अब हम वर्क के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं दो वर्ड में पढ़ने हैं देखिए कंजर्वेटिव फील्ड्स मैंने आपको बताया वर्क किसी फोर्स पर डिपेंड करता है तो फोर्स या फील्ड वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है कंजर्वेटिव फील्ड इस फोर्स में या कंजर्वेटिव फोर्स में कोई बॉडी दो पोजीशन के बीच में जा रही है तो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ओनली जब आप अपने घर से 12 मीटर ऊपर किसी मंजिल पर चढ़ जाते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच हो गई आप जानते हैं वर्क आपका एमजीएच हो गया परंतु यह डिपेंड नहीं करता आप चढ़े कैसे थे कौन सी सीढ़ी से चढ़े थे सीढ़ी का स्लोप क्या था आपने लंबा रास्ता पकड़ा या सीधा ऊपर गए ये सब चीजें डिपेंड नहीं करती तो इस प्रकार के फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं आपकी जानकारी के लिए ग्रेविटेशनल हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया मैग्नेटिक हो गया ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस या फील्ड्स कहलाते हैं अब दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या फील्ड्स ये कौन से हैं जिनके अंदर आपने वर्क डन किया जो पाथ पर डिपेंड करता है अब ऐसे में क्या है जो डिस्टेंस होगा वो पाथ पर डिपेंड कर देगा जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है वो पाथ पर डिपेंड करेगी फ्रिक्शनल विस्कस वर्क जो हवा के ड्रैग की फोर्स है विस्कोस्टी की फोर्स है ये सारी चीजें डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगी आप पानी में हाथ डालिए और ऊपर से नीचे ले जाइए आप सीधा ले जाइए या घुमा फिरा के ले जाइए आपको मालूम है घुमा फिरा के अगर आप हाथ को ले जाएंगे आपको ज्यादा काम करना पड़ता है और अगर सीधा हाथ को नीचे हाइट में ले जाएंगे आपको कम काम करना पड़ता है तो विस्कोस्टी या मतलब पानी की वजह से जो फोर्स आप पर लग रही है वो हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में मानेंगे अब आइए वर्क डन बाय फोर्स को थोड़ा सा भी अब जो ये तो थी मोटी मोटी बातें अब इनको और थोड़ा डिटेल में हमें समझना है ये देखिए वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स जब हमारे पास वर्क हमारे पास है कॉन्स्टेंट फोर्स लगा रहे हैं आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है और ये एंगल थीटा पर चल काम कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के तभी तो बोला एंगल थीटा फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ पार्टिकल शोन ये देखिए अब इस केस में बॉडी ओ से एक्स एक्सिस पर चल रही है और हम ये मानते हैं बॉडी मान लीजिए एस वन पर पहले थी और एस टू पर बाद में है एस वन पर पहले है और एस टू पर बाद में पहुंची तो बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया एस टू माइनस एस वन एस टू माइनस एस वन वही चला बॉडी और थोड़ा थोड़ा जो एफ कॉटा वो आप देख सकते हैं हम एफ cos ऑसीडा इंटू डी एस कर देंगे आपने एफ cos ऑसिडा टू डी एस किया एफ कॉसिटा बाहर कॉन्स्टेंट था आपने एस वन माइनस एस टू कर दिया सॉरी ये गलत हो गया बेटा ये एस टू माइनस एस वन होना चाहिए फाइनल माइनस नीचे गलत लाइन आ गई है इसका ध्यान कर लीजिएगा अगर मैं आप ध्यान दीजिए एफ इंटू डी एस F cos theta into ds. अब जरा इसको और समझेंगे आप तो right? Displacement. और vt ग्राफ का एरिया क्या होता है Velocity टाइम ग्राफ का displacement. तो F dx के चक्कर में भी f dx आपका वर्क है और f और x के ग्राफ का एरिया क्या है Displacement. अब आपको मान लो कवर बनाना आपने ये बना दिया f cos थीटा में s1 से s2 ले गया f cos थीटा मेरी फोर्स थी और अब जो ये मेरा abcd रेक्टेंगल का एरिया आया है ये मेरा वर्क वकदन होगा क्योंकि ये है क्या f cos थीटा मल्टीप्लाईड बाय s2 minus s1 ये कांस्टेंट वर्क अब हमने क्या किया एफ थीटा को इधर प्लॉट कर लिया है और डिस्प्लेसमेंट को इधर प्लॉट कर लिया आप ये भी कर सकते थे एफ को एक वाइपर प्लॉट कर लो और एस इंटू थीटा डेल्टा एस इंटू थीटा इधर प्लॉट कर लो पर बेसिकली प्रोडक्ट दोनों का चाहिए तो इसकी वजह से आपका वर्क निकलेगा आइए अब हम बात करते हैं ये कांस्टेंट फोर्स में कोई भी चीज होगी वी हैव टू इंटीग्रेट सॉरी ये गलत लिख दिया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होना चाहिए वेरिएबल फोर्स में आपको इंटीग्रेट करना है डिस्टेंस वेरिएबल है ये देखिए अब क्या आपने एफ और एक्स का ग्राफ बनाया अब आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हर जगह का एक्स अलग अलग है एफ एक्स अलग अलग है तो वर्क डन क्या बन रहा है एफ डेल्टा एक्स हर बार छोटी छोटी स्ट्रिप्स का आप एरिया जोड़ेंगे एफ डेल्टा एक्स जोड़ी आई है अब इसको स्मूथली आपको दिखा दिया पूरा कर वैसा कर बना के अब एरिया निकाल रहा है मुझे तो क्या निकलेगा देखिए आप लिमिट क्या है एक्स आई टू एक्स एफ तक ले लिया मैंने इनिशियल से फाइनल तक एफ एक्स इंटू डी एक्स अब यही चीज तो बेसिकली मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन होता है तो इसी को हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में बोलेंगे एक्स आई टू एक्स तो ये हमारा फोर्स जब वेरिएबल है आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स का जो वेरिएशन हो रही है ऊपर नीचे फोर्स वेरी कर रही है अगर हमारे पास फोर्स स्ट्रेट होती फोर्स कांस्टेंट होती तो आपको मालूम है बिल्कुल प्योर हॉरिजॉन्टल करवाता लेकिन इस केस में वो नहीं आया है तो ये था वर्क डन निकालने का तरीका हमारे फोर्सेस की वजह से हमारे पास कॉन्स्टेंट फोर्स भी हो सकती है और वेरिएबल फोर्स भी हो सकती है हमने दोनों के बेस पर उसको बात करनी है आशा करता हूं आपको यह समझ आ गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट